प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार देर रात बनारस की सड़कों पर निकले। 12:30 पर वे संत रविदास घाट से गोदौलिया चौराहा पहुंचे। यहां से वे विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए निकले। निर्माण का कामकाज देखने के लिए 15 से 20 मिनट बिताए। इसके बाद वे रेलवे स्टेशन पहुंचे। जायजे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। बॉलीवुड पार्टियों से चर्चा में आया MDMA ड्रग अब राजस्थान के गांव में पहुंचा। ड्रग पेडलर गुजरात, राजस्थान और आसपास के राज्यों में MD ड्रग की भेज रहे हैं बड़ी खेप। सबसे ज्यादा जोधपुर, नागौर और जयपुर के युवा ड्रग की गिरफ्त में। 1 ग्राम ड्रग की कीमत 1 ग्राम सोने के बराबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी के बयान को राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने गीता का ज्ञान बताया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कहा कि ये गीता सही सभी ग्रंथों का सार है। जो कि सत्य का सहारा लेते हैं वही हिंदू हैं। भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए डॉक्टर कल्ला ने कहा कि भाजपा को ग्रंथों में विश्वास ही नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 17 मरीज मिले। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज से 4 संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें सभी ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकले। पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आई फैमिली के संपर्क में आए थे। तो यूक्रेन से जयपुर पहुंची युवती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 27 नए केस मिले हैं। एक सप्ताह बाद कोरोना से मौत के 2 मामले सामने आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे बनारस। शाम में मोदी के साथ गंगा आरती में हुए शामिल। आज काशी में आयोजित 14 मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी BJP शासित 12 राज्यों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और पिछले 1 साल में बनाए गए कानूनों का देंगे प्रेजेंटेशन। पंजाब के फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब चोरी होने के मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम से की पूछताछ। टीम सुनारिया जेल रोहतक पहुंची। सुबह करीब 10:20 पर जांच टीम सुनारिया जेल पहुंची। पंजाब से 7 गाड़ियों में SIT टीम और करीब 30 पुलिसकर्मी रोहतक पहुंचे। रामायण टोल पर सम्मान समारोह के बाद किसान अपने घरों को लौटे। आज दोपहर 2 बजे होने वाले सम्मान समारोह कार्यक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, जोगेंद्र सिंह उग्राहा, सरदार जगजीत सिंह दल्लेवाल, अभिमन्यु कुहार बड़े किसान नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम के बारे में युवा किसान नेता विकास सीसर व कुलदीप खरड़ ने बताया कि आगामी फैसले के लिए सोमवार को टोल पर मीटिंग रखी गई थी। नेता तेजस्वी यादव अपनी दुल्हन को लेकर सोमवार रात पटना पहुंचे। रात 8:30 के करीब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तेजस्वी और राष्ट्रीय का राजद कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सब शाम से ही एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग से निकलते ही दोनों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। इसके बाद तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं और अपने काफिले के साथ रावड़ी आवास पहुंचे। पेगासस स्पाईवेयर को बनाने वाली इजरायली कंपनी NSO ग्रुप लिमिटेड कर्जों में डूबी। दिवालिया होने के कगार पर पहुंची कंपनी। खतरे को देखते हुए कंपनी पेगासस स्पाईवेयर को बंद करने और उसे बेचने की कर रही है तैयारी। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने कई इन्वेस्टमेंट फंड से की बात। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश के नाम संदेश में कहा, हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से हुई पहली मौत। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि यह सोचना छोड़ दे कि यह वेरिएंट खतरनाक नहीं है। इस वेरिएंट की वजह से देश के अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तमाम वयस्क बूस्टर डोज लें और एहतियात रखें। टेस्ला के फाउंडर और स्पेस एंटरप्रेन्योर एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना। मैगजीन के मुताबिक 50 साल के मस्क वास्तव में टेक्नोलॉजी मैग्नेट हैं। उन्होंने अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ा। टाइम मैगजीन 1927 से पर्सन ऑफ द ईयर चुन रही है। मस्क को चुने जाने की एक वजह यह भी है कि उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट अरब देश की ऑफिशियल विजिट पर पहुंचे। यहां उन्हें UAE के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने किया रिसीव।
मिनट ने कहा, मैं एक ही संदेश लेकर आया हूँ यूएई की लीडरशिप और यहाँ के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि भाई भी हैं। इस दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, इसमें साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा करार है तो करोड़ों डॉलर का ट्रेड पैक्ट भी। इसके अलावा भी कई सेक्टर्स में हुए समझौते। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।